अजीत है, आप न्यूज फोर एडिशन देख रहे हैं। देश भर में जन्माष्टमी का धूम है, हर्षोल्लास के साथ आज देश भर में जन्माष्टमी मनाया जाएगा। बिहार में भी जन्माष्टमी लोकप्रिय है और हर उम्र के लोग जो है कृष्ण की उपासना करते हैं, जन्माष्टमी करते हैं। आपको बता दें, पटना की बात करें तो पटना का इस्कॉन मंदिर है, यहाँ पे बड़ी संख्या में जो है पटना के कृष्ण भक्त जो श्रद्धालु हैं वो आज पहुँचते हैं और भगवान कृष्ण की उपासना करते हैं। तो बड़ी संख्या में जब पटना के श्रद्धालु इस्कॉन मंदिर पहुँचेंगे तो जाम की समस्या रहेगी। इसको लेकर के पटना यातायात पुलिस ने जो है रात में ही यातायात रूट जो है वो तैयार किया है। इस रूट पे 2 बजे के बाद से जो तमाम गाड़ियां अभी चल रही है ये 2 बजे से बिल्कुल पूरी तरीके से बंद हो जाएगी। इस रूट पे कोई भी गाड़ियां नहीं चलेगी। हालांकि इस रूट के बंद हो जाने से अल्टरनेटिव जो है वो सुविधा दी गई है। आपको बता दें, जन्माष्टमी को पर्व को लेकर ट्रैफिक प्लान तैयार कर दिया गया है। जानकारी के अनुसार जो है GPO के ऊपर के तरफ से जो इस्कॉन मंदिर आने वाला जो भी वाहन होंगे उसे अदालतगंज के तरफ जो है मोड़ दिया जाएगा। इस्कॉन टेम्पल की ओर किसी भी तरह के कोई वाहन नहीं चले क्योंकि जाम की समस्या लगातार बनी रहती है। इसको लेकर के जो है पूरब से पश्चिम की ओर आने वाली वाहन को जो अनुमति नहीं होगी। इसके अलावा कोतवाली के जो टी पॉइंट है उसे वहाँ पे ई रिक्शा, टेम्पू, मिनी बस डाकमंगला होते हुए स्टेशन की ओर बढ़ेंगे। हालांकि देखिए किस तरीके सुबह का वक्त अभी से ही जाम की समस्या जो है वो अमूमन होने लगी है क्योंकि जो भक्त हैं वो इस्कॉन मंदिर पहुँच रहे हैं। सुबह से ही बड़ी संख्या में जो कृष्ण भक्त हैं वो इस्कॉन मंदिर पहुंचने लगे। अभी से ही जो है लाइन में लगकर जो है श्रद्धालु जो इस्कॉन मंदिर में जा रहे हैं तो काफ़ी संख्या में जो बाइक गाड़ी है वो इस रूट में आएंगी। इसको लेकर के ट्रैफिक प्लान तैयार किया गया है। हालांकि 2 बजे के बाद से इस रूट पे जो आप गाड़ियाँ दिख रहे हैं, जो ऑटो दिख रहे हैं, जो कार देख रहे हैं, जो बस देख रहे हैं वो 2 बजे से बिल्कुल तरीके से बंद हो जाएगी। इस रूट पर कोई भी वाहन नहीं चलेगी, सिर्फ और सिर्फ जो है वो श्रद्धालु ही नजर आएंगे, कृष्ण भक्त नजर आएंगे इस रूट पे क्योंकि इस्कॉन मंदिर है और पटना के बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु हैं वो इस्कॉन मंदिर में आते हैं, कृष्ण की उपासना करते हैं और लगातार जो है कृष्ण भक्त इस्कॉन मंदिर पहुंच रहे हैं और ये रात्रि तक जो है कृष्ण भक्त इस्कॉन मंदिर पहुँचेंगे, जिसको लेकर के पटना यातायात पुलिस रूट मैप तैयार किया है और इस रूट मैप पे ही चल देंगे। यदि आज आप वाहन लेकर घर से निकलते हैं तो संभल कर चले क्योंकि पटना में कई तरह के रूटों में जो बदलाव किया गया, कई रूटों पे जो वाहन नहीं चलेंगे। हालांकि ये जो इस्कॉन टेम्पल है इस रूट पे भी गाड़ियां 2 बजे के बाद से चलना बिल्कुल तरीके से बंद हो जाएगी और इस रूट पे जो है सिर्फ और सिर्फ कृष्ण भक्त यानी कि पटना में जो कृष्ण भक्त होंगे वही दिखेंगे। तमाम खबरों के लिए न्यूज़ फोर एडिशन पर बने रहे। न्यूज़ फोर एडिशन के लिए अभिजीत, पटना।